आज के लेक्चर का आगाज करते हैं आज के लेक्चर में हम चैप्टर नाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि प्लानिंग से रिलेट कर रहा है चैप्टर एट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए पहले। कोई क्वेश्चन नहीं है चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर देखिए हमारे ऑडिट को हमने डिफरेंट फेजेज़ में क्लासीफाई किया है चैप्टर वन से चैप्टर फोर हमारे बेसिक कन्सेप्ट थे यानी जो ऐसे कन्सेप्ट जो कि रिमेनिंग ऑडिट समझने के लिए ज़रूरी है चैप्टर फाइव से चैप्टर एट वो जो फेज़ है उसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जो एक तरह से ऑफिशियल ऑडिट स्टार्ट करने से पहले परफॉर्म की जाती है आज हम जो फेज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा प्लानिंग फेज प्लानिंग फेज इसमें चैप्टर नाइन शामिल है टेन अलेवन ट्वेल्व और थर्टीन ये चैप्टर शामिल है तो स्टार्ट करते हैं आज हम सीखने जा रहे हैं प्लानिंग क्या होती है ठीक है प्लानिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल हैं लेकिन प्लानिंग एक्टिविटीज़ को प्लानिंग को समझने से पहले एक मिलती जुलती टर्म है आपको याद होगा हमने इससे पहले पढ़ी है वो है प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज ये टर्म याद है आपको तो कितने स्टूडेंट्स को पता है कि प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है हाथ उठाइए कितने स्टूडेंट को पता है जी मेरे भाई आप बताइए प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल है इंगेजमेंट लेटर होता है बस गलत जी प्रमरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल हैं जो स्टूडेंट बताएगा उससे चले इनाम दे देते हैं आज पचास रुपये इनाम मिलेगा अब देखें वन वन तीन पहले हाथ उठाइए किसको पता है जी बताइए परफॉर्मिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर्स और एग्रींग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट शाबाश और इसमें जहन में रखिएगा जब हम कहते हैं एक्सेप्ट एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर तो प्रोबेबली इसमें जो सबसे अहम चीज होती है वो ये होती है इंश्योर करना क्या ऑडिटर इंडिपेंडेंट है कंप्लाइंग विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स हमारे लिए सबसे अहम है तो कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था वो प्रीवियस वो था प्रमरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज जो कि ऑफिशियली ऑडिट स्टार्ट होने से पहले परफॉर्म की जाती है इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल थी पहला एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर इंक्लूडिंग कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स और फिर उसके बाद एग्रींग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जब हम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्लाइंट के साथ एग्री कर लेते हैं एंगेजमेंट लेटर साइन कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि प्लानिंग करनी है हमें तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लानिंग जब हम कहते हैं कि ऑडिटर को प्लानिंग करनी चाहिए अपने ऑडिट को प्लान करना चाहिए तो इससे क्या मुराद है प्लानिंग में याद रखिए कहता है प्लानिंग में दो चीजें शामिल होती हैं एक ऑडिट स्ट्रेटजी डिसाइड करना और दूसरा ऑडिट प्लान डिसाइड करना प्लानिंग एक्टिविटीज का नाम क्या है दो दो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना ठीक है प्लानिंग एक्टिविटीज में क्या किया जाता है दो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर की जाती है कौन सी डॉक्यूमेंट्स ऑडिट ऑडिट स्ट्रेटजी प्लान अब इन दोनों में फर्क क्या है देखिए सबसे पहले कंसेप्चुअली डिफरेंस अपने जहन में रखें वो लिखता क्या टेक्निकल वर्ड्स क्या है वो वन बाय वन हम उनको समझते हैं लेकिन पहले कंसेप्चुअली डिफरेंस जहन में रखें ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान में फर्क क्या है ऑडिट स्ट्रेटजी एक सिंगल डॉक्यूमेंट होते हैं पूरे ऑडिट के लिए इसमें ऐसे डिसीजन लिखे जाते हैं जो कि पूरे के पूरे ऑडिट को पूरी इंगेजमेंट को इफेक्ट करते हैं और ऑडिट प्लान एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें जो इंडिविजुअल एरियाज पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए जाएंगे वो लिखे जाते हैं ऑडिट प्लान में यानी ऑडिट प्लान इसका मतलब है हर एरिया के लिए अलग डॉक्यूमेंट बनेगी सेल्स के लिए अलग परचेजेस के लिए अलग डेटर्स के लिए अलग क्रेडिटर्स के लिए अलग बनेगी और बाकी एरियाज के लिए भी अलग अलग ऑडिट प्लान बनेगा जबकि ऑडिट स्ट्रेटजी पूरे ऑडिट एंगेजमेंट के लिए एक ही डॉक्यूमेंट बनेगी जिसमें ऐसे डिसीजन लिखे जाएंगे ऐसे मैटर्स लिखे जाएंगे जो पूरे ऑडिट को इफेक्ट करते हैं जैसे फर्ज कीजिए आपके सामने दो मैटर्स रखता हूं मैं पहला मैटर ये कि हमारे इस ऑडिट में मटीरियलिटी लेवल क्या होगा और दूसरा मैटर यह कि हमने सेल्स को वेरीफाई करना है तो सेल इनवाइसिस का सैंपल साइज क्या होगा अब आप बताइए आपके ख्याल में कंसेप्ट को जहन में रखते हुए इनमें से कौन सा मैटर हमारा ऑडिट स्ट्रेटजी में लिखा जाएगा

तो स्ट्रेटजी और प्लान में कंसेप्चुअल डिफरेंस समझ आ गया आपको अब देखते हैं कि वो हमें किन अल्फाज में समझाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है कहते हैं क्या है ऑडिट स्ट्रेटजी नाम है कहता है डिसाइड करना क्या स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शंस ऑफ एंगेजमेंट स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ एंगेजमेंट इसमें वैसे तो हमारे ऑडिट में स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ये लफज एक सिंगल फ्रेज के तौर पे यूज़ होता है लेकिन मैं आपको इनके अल्फाज अलग अलग करके समझा रहा हूं कि जब हम कहते हैं ऑडिट स्ट्रेटजी नाम है स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन ऑफ एंगेजमेंट डिसाइड करने का तो इसमें स्कोप का क्या मतलब है टाइमिंग का क्या मतलब है डायरेक्शन का क्या, क्या मतलब है पहले स्कोप स्कोप का मतलब ये है डिसाइड करना है हमने कि हमारे ऑडिट में कौन कौन सी चीज़ों को हमने कवर करना है हमने अपने ऑडिट में कौन कौन सी चीजों को कवर करना है यह डिसाइड करना इसका नाम है स्कोप जैसे फर्ज कीजिए अगर हमारा क्लाइंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी नहीं है जो सोल प्रोप्राइटरशिप है जो पार्टनरशिप है जो एनजीओ है क्या कंपनी जेट की रिक्वायरमेंट हमारे स्कोप में शामिल है स्कोप में शामिल नहीं हो क्योंकि वो हमारा क्लाइंट एक कंपनी नहीं है कंपनी जेड की रिक्वायरमेंट हमारे स्कोप में शामिल नहीं इसी तरह अगर हमारा क्लाइंट कोई कंपनी है तो फिर हमने आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट्स को भी देखना पूरी हो रही है कि नहीं वो भी हमारे स्कोप में शामिल है प्लस उसके साथ साथ कंपनी जैट की रिक्वायरमेंट्स भी हमारे स्कोप में शामिल है वो भी हमने देखना पूरी हो रही है कि नहीं जैसे आपने देखा होगा जो हमने ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ा उसमें आपने वो चार एडिशनल ओपिनियंस के बारे में पढ़ा वो बेसिकली तो आई एफ आर एस रिक्वायर नहीं करता आई एस एस रिक्वायर नहीं करते ठीक है वो हम क्यों लिख रहे हैं क्योंकि लोकल लॉज रिक्वायर करते हैं तो मुझे बताइए क्या कंपनीज के केस में हमारा जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा वो सिर्फ आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट्स है कि हमारे स्कोप में कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट भी शामिल है भी शामिल है इसी तरह अगर आगे चलते जाएं अगर हमारा क्लाइंट एक बैंक है हमारा क्लाइंट एक इंश्योरेंस कंपनी है तो हो सकता है कंपनी जेड के अलावा कुछ दूसरी लीगल रिक्वायरमेंट भी शामिल हो जैसे इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स होती है तो स्कोप का मतलब क्या है कि हमने अपने ऑडिट में किन किन चीजों को शामिल करना है चेक करना है कंप्लायंस देखने है, किन चीज़ों की स्कोप टाइमिंग से यहाँ पे क्या मुराद टाइमिंग से मुराद ये है कि हमारा ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन क्या है किस दिन हमने रिपोर्ट इशू करना है ऑडिट रिपोर्ट की डेड क्या है हमने किस दिन रिपोर्ट इशू करनी है यह है हमारा टाइमिंग डायरेक्शन का मतलब क्या है हमने अपने ऑडिट में किन एरियाज के ऊपर फोकस करना है हमारी एफर्ट्स किन एरियाज की तरफ डायरेक्टेड होंगे अब जाहिर है इसमें हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जैसे रिस्क है जैसे मटेरियलिटी है जिन एरियाज में रिस्क ज्यादा होता है वहाँ पे हमारी एफर्ट्स ज्यादा लग रही होती हैं जिन एरियाज जो एरियाज हाईली मटीरियल होते हैं वहां पर हमारी एफर्ट्स ज़्यादा लग रही होती हैं तो कहते हैं ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है ऑडिट स्ट्रेटजी नाम है ये तीन चीजें डिसाइड करने का स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ एंगेजमेंट इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में अभी सिर्फ वो आपको हेडिंग एक तरह से इनकी सिखा रहा है स्कोप टाइमिंग और डायरेक्शन का मतलब क्या है मतलब समझ आ गया डिटेल इनके अंदर क्या मैटर्स डिस्कस करते हैं वो भी हम कवर करेंगे स्कोप का मतलब क्या हमने ऑडिट में किन चीजों को कवर करना है टाइमिंग का मतलब क्या हमारी रिपोर्ट की डेट क्या होगी डायरेक्शन का मतलब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किन किन एरियाज में फोकस करना है हमने फिर ऑडिट प्लान क्या होता ऑडिट प्लान जहन में रखिए ये ज्यादा डॉक्यूमेंट है ऑडिट स्ट्रेटजी की निस्बत जैसे ऑडिट स्ट्रेटजी हमने कहा पूरी ऑडिट के लिए एक ही डॉक्यूमेंट है ऑडिट प्लान हर एरिया के लिए डॉक्यूमेंट है फिर इसके बाद ऑडिट स्ट्रेटजी पहले डिसाइड होती है ऑडिट प्लान उसके बाद डिसाइड होता है कहते हैं ऑडिट प्लान क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी एरियाज हैं वो चाहे कोई इनकम है एक्सपेंस है एसेट्स है लाइबिलिटीज है उनको वेरीफाई करने के लिए उन पे एविडेंस ऑबटेन करने के लिए आपने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं उन प्रोसीजर की लिस्ट लिखी होती है ऑडिट प्लान में ऑडिट प्लान बेसिकली एक तरह से लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स है लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो आपने परफॉर्म करने हैं प्रोसीजर किस लिए किसी भी एरिया को वेरीफाई करने के लिए प्रैक्टिकली जब आप जाएंगे किसी क्लाइंट पे आपका मैनेजर आपको कहेगा भाई आप क्रेडिटर्स का एरिया वेरीफाई कीजिए तो आप जाके क्रेडिटर्स का एरिया वेरीफाई करना नहीं शुरू कर देंगे बल्कि मैनेजर से पूछेंगे सर मुझे बताइए कि मैंने क्रेडिटर्स का एरिया वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है मुझे क्या करना चाहिए तो आपका मैनेजर कहेगा वो सामने एक फाइल पड़ी है उसमें पूरे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरियाज हैं सबके ऑडिट प्लान तरतीब से लगे हुए हैं आपने उनमें से अपना क्राइटर्स का एरिया का ऑडिट प्लान निकाले उसमें जो बारह प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं वन बाय वन उनको परफॉर्म कीजिए आप जब वो क्राइटर्स का ऑडिट प्लान निकालेंगे उसके साथ डेटर्स का प्लान भी होगा सेल्स का प्लान भी होगा क्या आप उसको भी निकाल लेंगे उन सबों का भी वो आपसे रेलिवेंट नहीं है वो कोई दूसरा टीम मेंबर परफॉर्म कर रहा होगा आप जब क्राइटर्स का ऑडिट प्लान निकालेंगे उसमें देखेंगे उसमें लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स होंगे प्रोसीजर कुछ भी हो सकते बारह भी हो सकते हैं बीस भी हो सकते हैं आठ भी हो सकते हैं लेकिन उनकी क्लासिफिकेशन होगी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अलादा लगे होंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल के प्रोसीजर अलहदा आइडेंटिफाई किए गए होंगे प्रोसीजर आइडेंटिफाई किए गए होंगे आपको पता है फाइनेंशियल ऑडिटर के 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 प्रोसीजर इसी तरह तरह होते होते हैं हैं ना तीन तरह होते हैं हमने पढ़ा था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल और प्रोसीजर तो ऑडिट प्लान में क्या होता है ऑडिट प्लान में नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर फॉर ईच एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए अलग ऑडिट प्लान बनता है यहां तक बात समझ गई अच्छा देखें यहां पे भी तीन लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किए नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑडिट स्टडी में तीन लफज कौन से इस्तेमाल किए थे स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन हमने एक एक करके इनका मतलब समझा अब इसी तरह यहां पे नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर वैसे तो हमारे ऑडिट में नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट सिंगल फ्रेज के तौर पे यूज होता है नॉर्मली लेकिन मैं आपको अलग अलग करके इनका मतलब समझा रहा हूं नेचर का मतलब क्या होता है नेचर का मतलब ये होता है कि आपका वो जो सेवन टेक्निक्स हमने पढ़ी थी सेवन टेक्निक्स उनमें से कौन से प्रोसीजर है इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन री परफॉर्मेंस रिकल्कुलेशन एक्सटर्नल कन्फर्मेशन एनालिटिकल प्रोसीजर नेचर का मतलब ये है टाइमिंग का मतलब यह है कि आपने किस वक्त प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ये रेंड से पहले या के ये रेंड के बाद और एक्सटेंड का मतलब यह है कि प्रोसीजर का जो आप परफॉर्म करने जा रहे हैं उनका सैंपल साइज क्या होगा सैंपल साइज ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए ठीक है तीन लफ्ज़ नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड ये मतलब समझ आ गया आपको यानी ऑडिट प्लान में इसका मतलब यह है हमने जो चैप्टर थ्री में पढ़ा था सेवन टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ठीक है नेचर नेचर सेवन नेचर भी पढ़ी थी हमने सेवन टेक्निक्स ऑफ ऑबेनिक एविडेंस और फिर बाद में यह भी कंसेप्ट पढ़ा था कि इन्हीं सात प्रोसीजर को हम रिस्क असेसमेंट में भी यूज कर सकते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी याद है ये कंसेप्ट चैप्टर थ्री में पढ़ा था हमने या किसी और क्लास में पढ़ाया था मैंने इस क्लास में नहीं पढ़ाया किसी और क्लास में पढ़ाया था चैप्टर थ्री तो यहां पे वो प्रोसीजर लिखे होते हैं ठीक है तो इन शॉर्ट अगर आपसे पूछा जाए भाई ऑडिट प्लान जो है इसमें क्या लिखा होता है हम कहेंगे इसमें है नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म इन ई एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इन प्रोसीजर को तीन हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है रिस्क असेसमेंट अलग टेस्ट ऑफ कंट्रोल अलग और सबसे प्रोसीजर्स अलग ऑडिट ऑडिट प्लान में फर्क समझ आ गया अच्छा अब यहां पे एक कंसेप्ट थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं टाइमिंग का लफज यहां पे भी यूज हो रहा है टाइमिंग का लफज यहां पे भी यूज हो रहा है लेकिन दोनों में फर्क है दोनों में फर्क है जैसे फर्क क्या है पहला दो पेयर बना रहा हूं दो इंफॉर्मेशन के आपने बताना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन ऑडिट स्ट्रेटजी में आएगी और कौन सी ऑडिट प्लान में पहली इंफॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट किस डेट को क्लाइंट को प्रोवाइड करने है पहली इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन स्टॉक टेकिंग हमने किस डेट पे करनी है इन्वेंट्री की थर्टी फर्स्ट दिसंबर में या थर्टी फर्स्ट अक्टूबर पे ऑडिट प्लान में ठीक है फर्क समझ आया आपको टाइमिंग दोनों के लिहाज से ये वाली टाइमिंग पूरे ऑडिट को इफेक्ट कर रही है स्ट्रेटजी में जो लिखते हैं डेट ऑफ ऑडिट और ये टाइमिंग है उस एरिया के प्रोसीजर का परफॉर्म करना है ये रेंट से पहले परफॉर्म करने हैं या ये रेंट के बाद ये रेंट से पहले परफॉर्म करने हैं या ये रेंट के बाद क्या ऑडिट प्रोसीजर्स ये एंड के बाद ही परफॉर्म किए जाते हैं या हो सकता है ये रेंट से पहले भी परफॉर्म कर लिए जाए पहले भी परफॉर्म कर लिए जाए अभी वैसे कंसेप्ट हमने समझना बाद में लेकिन अभी आपको बता देता हूं अगर ऑडिटर ये एंड से पहले प्रोसीजर परफॉर्म करे तो इसे कहते हैं इंटेरम ऑडिट इसे क्या कहते हैं इंटेरम ऑडिट और अगर ये रेंड के बाद प्रोसीजर परफॉर्म करे इसे कहते हैं फाइनल ऑडिट तो audit है ये रेंड से पहले भी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है ये रेंड के <laughs> बाद भी तो फर्क समझ आया ऑडिट स्ट्रेटजी में स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन का क्या मतलब है ऑडिट प्लान में नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का क्या मतलब है ये क्लियर हुआ यहाँ पे दो तीन कंसेप्ट मेरे जहन में आ रहे हैं पांच रुपए के क्वेश्चन जो है अगर आप कहें तो आपके साथ शेयर कर दू पहला क्वेश्चन मुझे ये बताइए क्या लाजमी है कि क्लाइंट अगर हमारा ये एंड है थर्टी फर्स्ट दिसंबर तो स्टॉक काउंट लाजमी है कि थर्टी फर्स्ट दिसंबर पे ही हो या इस डेट के अलावा आगे पीछे किसी डेट पे भी हो सकता है फर्ज कीजिए स्टॉक टेक हुआ पंद्रह जनवरी को 15 जनवरी को हमने स्टॉक टेक किया लेकिन रिपोर्ट जो हमने देनी है बैलेंस शीट तो, पे शीट में तो कौन सा रहा है? 31 दिसंबर उसमें जो इन्वेंट्री का बैलेंस आ रहा है वो तो 31 दिसंबर का है। मैंने स्टॉक काउंट किया 15 जनवरी को अब 15 जनवरी का बैलेंस तो डिफरेंट होगा 31 दिसंबर के बैलेंस से तो मैं कैसे वैल्यूएट करूंगा कि क्या थर्टी फर्स्ट दिसंबर वाला बैलेंस ठीक है कि नहीं या दूसरे लफ्जों में पंद्रह जनवरी के बैलेंस से इकतीस दिसंबर के बैलेंस तक कैसे पहुंचूंगा हाँ शाबा रिकनसिलियशन के जरिए ठीक है यह रिकनसिलियेशन आपने काउंटिंग में सीखी होगी कि जिसमें रिवर्स वर्किंग करते हैं परचेजेस को हम लेस कर देते हैं और सेल जो होती है उसकी कॉस्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट करके एड कर देते हैं यहां पर सिर्फ एक एडिशनल कंसेप्ट आपको सिखाना है वो वर्किंग थी काउंटिंग में ऑडिट में हमने ये वर्किंग क्लाइंट देगा मैं हमने नहीं बनाने हमने क्या चेक करना है कि क्या जो सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स और परचेजेस की एडजस्टमेंट हो रही है वो ठीक है कि नहीं क्या क्लाइंट का काउंटिंग रिकॉर्ड रिलायबल है कि नहीं ये हमने चेक करना है ये फर्क समझ आया वर्किंग होगी बिल्कुल उसी तरह से हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या जो दरमियान वाला पीरियड है पंद्रह दिन का इसमें जो सेल्स क्लाइंट ने शो करवाई जो परचेजेस शो करवाई वो ठीक है कि नहीं इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन हम रिपोर्ट ये रेंट 31 थर्टी फर्स्ट दिसंबर क्लाइंट ने कहा जी मुझे दस जनवरी को आपकी ऑडिट रिपोर्ट चाहिए पार्टनर ने सबको कहा भैया जल्दी जल्दी काम करो हमने कहा अब असूली तौर पे तो हमें थर्टी डेटर्स को वेरीफाई कर रहे हैं हमारी जिम्मेदारी है असूली तौर पे तो कंफर्मेशन लेटर जो सेंड करना चाहिए उसमें थर्टी फर्स्ट दिसंबर का बैलेंस डेटर से पूछना चाहिए लेकिन क्या है? इस केस में मैं थर्टी फर्स्ट दिसंबर से पहले कंफर्मेशन लेटर सेंड कर सकता हूं अकाउंट अगर आगे पीछे हो सकता है ये रेंट के आगे पीछे और हम दरम्यान की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके ए रेंट के बैलेंस पे पहुंच सकते हैं क्या इसी तरह कंफर्मेशन के जरिए से डेटर का आगे पीछे वाला बैलेंस कंफर्म किया जा सकता है किया जा फर्ज कीजिए हमने इकतीस अक्टूबर का बैलेंस कंफर्म करवाया लेकिन मसला तो यह है कि रिपोर्ट हमने देनी है थर्टी दिसंबर के बैलेंस में इकतीस अक्टूबर के बैलेंस को वेरीफाई कर लिया इकतीस दिसंबर के बैलेंस तक कैसे पहुंचे खुद बताइए अप्रोच वही कि दरमियान की जो दो महीने की है सेल्स की या कैश रिसीव हुआ है उसको हम चेक कर लें तो इसका मतलब ये हुआ टाइमिंग से हमने बात शुरू की थी कि लाजमी नहीं सारे के सारे प्रोसीजर हम ये रेंट के बाद ही परफॉर्म करें हम कुछ प्रोसीजर पहले भी परफॉर्म कर सकते हैं कुछ प्रोसीजर बाद में भी कर सकते हैं जी प्लानिंग एक्टिविटीज क्लियर होगी क्या है? कोई हमसे पूछे बताओ ऑडिट प्लान में और प्लानिंग एक्टिविटीज में क्या फर्क है तो हम कहेंगे एक ही बात है ऐसे कहेंगे नहीं हम ये नहीं कहेंगे बल्कि हम क्या कहेंगे प्लानिंग एक्टिविटी नाम है दो चीजें डिसाइड करने का दो चीजें स्टेप एक ऑडिट स्ट्रेटजी दूसरा ऑडिट प्लान ये क्लियर हो गया कंसेप्ट अपने जहन में रखना है याद आपने इन्हीं अल्फाज के साथ करना है कंसेप्ट क्या है ऑडिट स्ट्रेटजी में ओवरऑल ऑडिट से को जो मैटर्स इफेक्ट करते हैं वो आते हैं ऑडिट प्लान में जो इंडिविजुअल एरिया को प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो आते हैं कंसेप्ट है याद करने के लिए क्या करना है स्ट्रेटजी का मतलब स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट जो कि बाद में गाइड करती है हमें क्या फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान और ऑडिट प्लान क्या है नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ आर्ड प्रोसीजर टू बी परफॉर्म फॉर ईच एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर आगे कहता है चले यह कंसर्ट हो गया प्लानिंग एक्टिविटीज में क्या गया शामिल है कहते हैं आगे बताए है, प्लानिंग किसको करनी चाहिए किन लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए प्लानिंग में कहते हैं इंगेजमेंट पार्टनर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है क्या एंगेजमेंट पार्टनर के अलावा बाकी की सारी टीम को भी शामिल होना चाहिए वो कहता है बाकी टीम को शामिल नहीं होना चाहिए ठीक है सिर्फ सीनियर टीम मेंबर को शामिल होना चाहिए ये ना अभी अभी आर्टिकल स्टार्ट किए हैं उसे प्लानिंग में बैठा लें और उससे पूछे भैया प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में और प्लानिंग एक्टिविटीज में फर्क क्या है वो कहे सर बहुत पहले पढ़ा था जिस दिन सर ने पढ़ाया था उसी दिन बाद में रिवाइज नहीं किया इसलिए मुझे याद नहीं है भाई जूनियर यही कहेगा ना पार्टनर कहेगा निकल जाओ भाई घर जाके रेस्ट करो जब प्लानिंग हो जाएगी फिर आपको बुला लिया जाएगा वो तो डिस्टर्ब करेगा ना छोटी छोटी चीज़ों पर पूछेगा ये क्या है वो क्या है इसीलिए प्लानिंग में एंगेजमेंट पार्टनर शामिल होते हैं प्लस सीनियर डी मेंबर शामिल होते हैं मुझे बताइए क्या क्लाइंट को शामिल करना चाहिए प्लानिंग करते हुए ये तो वो सारा हमारा तरीका वारदात उसे पता चल जाएगा क्या तो प्लानिंग में याद रखें क्लाइंट को शामिल नहीं किया जाता लेकिन क्लाइंट से जो हम डिस्कशन करते हैं उस डिस्कशन को सामने रख के प्लानिंग की जाती है यानी हो सकता है क्लाइंट ने हमें कहा हो कि सर हमें रिपोर्ट चाहिए दस जनवरी को तो अब हम जो भी स्ट्रेटजी प्लानिंग कर, कर रहे होंगे रहे होंगे प्लानिंग कर उसमें हमने क्लाइंट से जो इंफॉर्मेशन मिली है उसको सामने रख के डिसीजन करने लेकिन प्लानिंग में क्लाइंट को शेयर नहीं करता क्लियर हो गया ये भी प्लानिंग में कौन इन्वॉल्व है अब आगे ये समझ लीजिए आपका बिजनेस मैनेजमेंट का कंसेप्ट आ गया वो कहता है इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की प्लानिंग की क्या अहमियत है एग्जाम में देखें वो जिस चीज की भी अहमियत पूछ लें हमने कहना सर हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम चीज यही है तो ऑडिटर की जिंदगी में प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है वेरी मच इंपोर्टेंट बहुत ही अहम है ठीक है मैं। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं प्लानिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफॉर्मेंस कि अगर सही प्लानिंग की हो तो फिर परफॉर्मेंस अच्छी हो सकेगी अगर प्लानिंग ही सही नहीं की तो क्या परफॉर्मेंस अच्छी हो सकेगी और तो बिल्कुल नहीं हो सकेगी ठीक है जैसे आप लोग भी तो प्लानिंग करते हैं एक प्लानिंग करते हैं जब पेपर दे के आते हैं कि चलो पेपर जैसे तैसे हुए इस दफ़ा जो इंशाल्लाह मैं सही नीयत के साथ पढ़ूंगा फिर एक प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग फिर रिवाइज भी हो जाती है जब रिजल्ट आता है एक प्लानिंग उस वक्त भी आप करते हैं हैं? चलो कोई बात नहीं तीन में से एक पेपर पास हो गया चलो कुछ ना कुछ तो पास हुआ अब ऐसा करते हैं अगली अटैम्प्ट में मैं पांच पेपर उठाऊंगा तीन इस अटैम्प्ट के तो मैं पढ़ ही रहा हूं ना दो जो प्रीवियस अटैम्प्ट के है, वो पेपर जो मेरे रेफर आ गई है वो भी पांच पेपर दूंगा मैं बताइए क्या ये अच्छी प्लानिंग है वैसे नहीं।, नहीं भाई मुझे बताइए जो स्टूडेंट एक अटेंड में दो पेपर नहीं पास कर सका वो पांच पेपर पास कर लेगा बिल्कुल भी, भी नहीं, नहीं।, नहीं। स्टूडेंट कहते हैं सर एक्सेप्शनल केस भी तो होते हैं लेकिन भाई वो एक्सेप्शनल केस में आपको ये तो नजर आ जाता है किसी ने पांच पेपर दिए पास कर लिए लेकिन अपना भी तो पास रिकॉर्ड देखे ना तीन पेपर दिए और एक नहीं आपकी बात नहीं किसी और की बात कर रहा हूँ आपकी नहीं कर रहा आपकी नहीं कर तो मुझे बताइए अगर हम प्लानिंग मकसद ये था मिसाल देने का अगर गलत प्लानिंग कर लें तो मुझे बताइए कि क्या हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी कि नहीं होगी बिल्कुल होगी हम हो सकता है एफिशिएंटली इफेक्टिवली स्टडीज ना कर सके ठीक है तो आगे चलते हैं वो कहता है इंपॉर्टेंस क्या प्लानिंग की कहता है आपका ऑडिट एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म हो जाता है बिल्कुल हो जाता है फिर क्या कहता है कहता है आप दूसरे लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से कर पाते हैं हमने कहा दूसरे लोग कौन कहता है भूल गए कंपोनेंट कम्पोनर और एक्सपर्ट दूसरे लोग कौन है कंपोनेंट ऑडिटर और एक्सपर्ट ये मेरा भाई मुझे बताएगा ये कंपोनेंट ऑडिटर क्या होता है नहीं बताना बता दे तेरी मेहरबानी बता देना कंपोनेंट ऑडिटर समझाया था कि नहीं कि किसी और क्लास को समझाया होगा हाँ किसी और क्लास ए भैया आप असफ़े पलटने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई <laughs> अच्छा कोई ना कोई मजबूरी बता देंगे सवाल का जवाब नहीं बताएंगे जी मेरे भाई आप बताइए कंपोनेंट आइटर कौन होता है जी भाई आप पचास रुपए क्यों आप नोट देखे बगैर आपका मूड आप नहीं बनता <laughs> हर बात में पचास रुपए शाबाश। पता चले जितनी फीस दी है डबल ले गए कंपोनेंट <ण्यागागा> वो ब्रांच का आइडिटर याद है आपको हाँ, ब्रांच का और एक्सपर्ट जो किसी भी फिर। अब खुद बताइए हमने कंपोनेंट एक्सपर्ट को एंगेज किया और हमने तो क्लाइंट के साथ एग्री कर लिया कि सर आपको पंद्रह जनवरी को रिपोर्ट देंगे क्या हमें कंपोनेंट आडिटर को टाइमली बेसिस पे बताना चाहिए हो मेरे भाई कंपोनेंट आइटर एक्सपर्ट सुनो हमने क्लाइंट को पंद्रह तारीख को रिपोर्ट देनी है तुम लोग हमें रिपोर्ट दस तारीख तक दे देना ताकि तीन चार दिन में हम उसको चेक कर सके ठीक है कि नहीं ये ना हमने क्लाइंट को पंद्रह तारीख को ऑडिट रिपोर्ट देनी है तुम लोग बीस तारीख को रिपोर्ट लेके आ रहे हो वो तो हमारे किसी काम की नहीं है ना तो अगर प्लानिंग करेंगे तो इस तरह की कोऑर्डिनेशन में आसानी होगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है ईजिली जैसे अभी स्ट्रेटजी में बात हुई थी कि हम रिस्क असेसमेंट जो है वो कर लेते हैं ऐसे एरिया जो ज्यादा रिस्क है उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज प्लानिंग करेंगे अच्छे तरीके से तो जो अहम जो हमारे एरियाज है उन पर ज्यादा फोकस करेंगे जैसे अगर आप बजाय ये के तीन सब्जेक्ट उठाए और प्लान करें तीनों को हमने एक बराबर टाइम देना है उससे ज्यादा बेहतर है कि पहले आप रिजल्ट देख लें सीनियर से पूछ लें कि कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल है जो मुश्किल है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें जो सब्जेक्ट आसान है उसके ऊपर कम फोकस करें जो मुश्किल है फॉर एग्जाम्पल उसमें अढ़ाई घंटे डेली आप पढ़ लें जो आपको आसान लग रहा है उसमें डेली आप डेढ़ घंटे भी पढ़ सकते हैं जो आपको मॉडरेट लग रहा है उसमें डेली दो घंटे भी पढ़ सकते हैं तो मेरे भाई मुझे बताइए ऑडिट आसान सब्जेक्ट है मुश्किल है कि मॉडरेट है मॉडरेट दे, तो डेली कितना पढ़ना चाहिए दो घंटे अच्छा अगर डेढ़ घंटा पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे बिल्कुल सही कहा पास हो जाएंगे लेकिन अगली अड में इस अड में मुश्किल होगा सलेक्शन एंड असाइनमेंट ऑफ टेम टीम के सिलेक्शन और असाइनमेंट में भी आसानी हो सिलेक्शन का मतलब क्या है भाई मैंने डिसाइड किया इस दफा हमारा क्लाइंट जो है वो बैंक है भाई बैंक का क्लाइंट जो है बैंक ऑडिट करना आम कंपनी के ऑडिट करने से ज्यादा मुश्किल होता है इंश्योरेंस कंपनी ऑडिट क्लाइंट नहीं नहीं ये तो बड़ा रिस्की एरिया है इसमें तो बड़ा रिस्की क्लाइंट है ये तो इसके ऑडिट के लिए अब हम जूनियर्स को नहीं लेके जाएंगे सेमी सीनियर और सीनियर को लेके जाएंगे और इस में जो सबसे मुश्किल एरिया है वो सीनियर करेगा अब देखें अगर पहले से आपने प्लानिंग की हुई आपको पता है आपके पास बंदे कितने हैं जिनको लेके जा रहे हैं आपको पता है आप कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जिनमें रिस्क ज्यादा है तो बताइए अच्छी टीम को सिलेक्ट करने में उन्हें एरिया, एरिया एलोकेट करने में हेल्प मिलेगी कि नहीं बिल्कुल यहां पर असाइनमेंट का मतलब है एलोकेशन करना एरिया डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू चले फिर आपने कहा बस चले कोई स्टूडेंट ऐसा जो तीनों में फर्क बता दे डायरेक्शन में सुपरविजन रिव्यू ये फर्क मैंने बताया होगा जी 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 शाबाश काम करने से पहले ये बताना कि किस तरीके से काम किया जाएगा ये डायरेक्शन है काम हो रहा है साथ साथ देखना काम सही हो रहा है कि नहीं रिव्यू और काम हो जाने सॉरी सुपरविजन सुपरविजन और काम हो जाने के बाद देखना कि सही काम हुआ है कि नहीं ये रिव्यू है डायरेक्शन पहले सुपरविजन साथ साथ रिव्यू एंड में और जब मैंने रिव्यू की टर्म बताई थी तो फिर ये भी बताया होगा रिव्यू की टर्म हमारे ऑडिट में तीन कंटेक्ट में यूज होती है ठीक है रिव्यू तीन कंटेक्ट में कोई स्टूडेंट बता सकता है तीन कंटेक्स बताने रिव्यू में जी मेरे भाई नहीं नहीं, और तो और एक और एक रिव्यू क्वालिटी कंट्रोल। शाबाश रिव्यू रिव्यू एंगेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल नहीं फर्क क्या वो बताए ना। पार्टनर एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू करता है वो रिव्यू एंगेजमेंट है और रिव्यू क्या देख 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 नहीं देखो थोड़ा देख मिक्स कर गए पता आपको है लेके क्लास में और कोई स्टूडेंट जी मेरे भाई नहीं आपको पहले नाम मिल गया ना अच्छा बताइए बस आहरी आहरी स्टूडेंट जी मेरे भाई हाँ रिव्यू एंगेजमेंट होती है जिसमें हम लिमिटेड इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं एंगेजमेंट ही लेता है हम तो ऑडिट पढ़ रहे हैं ना चैप्टर वन में था दो उसके टू से हम रहे है। एक चैप्टर तो, तो मतलब हाँ सीनियर टीम मेंबर जो जूनियर टीम मेंबर का काम चेक करे सही किया है कि नहीं ये रिव्यू होता है और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होता है एक मिनट है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हमारी टीम का हिस्सा नहीं होता कोई बाहर का बंदा होता है वो हमारी सारी टीम के काम को चेक करता है सही किया के नहीं ये होता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की दो टाइप्स होती हैं इंटरनल और एक्सटर्नल करता है आई कैप और इंटरनल करता है हमारी ही फर्म का कोई नॉर्मली दूसरा बंदा कोई पार्टनर या सीनियर मैनेजर आखिरी क्वेश्चन नहीं नहीं नाम मिल गया आपको आखिरी क्वेश्चन मुझे बता दें हमने कोड ऑफ एथिक्स में जो बार बार पढ़ते थे कि इंगेज एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट टू रिव्यू द वर्क डन या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता था या एक्सटर्नल नहीं भैया उनसे पूछ वो मेरे भाई इंटरनल होता था मेरे आई क्या आपको थोड़ी कहेंगे हम क्या चलें दस नहीं भैया ये नहीं ये साढ़े वापस कर देने आप भाई को बना जी चलिए आखिरी डॉक्यूमेंटेशन अब देखें मुझे यह बताइए क्या इंगेजमेंट एक्टिविटीज प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हर ऑडिट इंगेजमेंट के स्टार्ट में परफॉर्म होती हैं या सिर्फ इनिशियल ऑडिट में हर ऑडिट में होगी? ना क्या एंगेजमेंट लेटर नहीं पढ़ा था हर ऑडिट में होता है होता हर आप पिछले ऑडिट का चला सकते हैं आप ठीक है क्या हमें इंडिपेंडेंस ये देखना है कि क्लाइंट डिपेंडेंट है कि नहीं सिर्फ इनिशियल ऑडि में देखना है में नहीं देखना उसमें चाहे जो मर्जी हो नहीं भैया उसमें देखना उसी तरह बताइए प्लानिंग एक्टिविटीज बताइए इनिशियल ऑडिट में करनी है रिकरिंग ऑडिट में करनी है दोनों में दोनों में शाबाश प्लानिंग एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है हर ऑडिट में करनी होती है हाँ ये हो सकता है कि इनिशियल ऑडिट में हमारी प्लानिंग थोड़ी सी कम नहीं मेरे भाई ज्यादा हो इनिशियल ऑर्डिट में बताइए रिस्क कम होता है कि ज्यादा होता। में ज्यादा में होता है ना बताया था ना ठीक है एक किस वजह से ओपनिंग बताइए इनिशियल ऑडिट में रिस्क कम होता है कि ज्यादा होता है अब आए ना लाइन पे ज्यादा मेरे हाथों में नहीं जाना आपने अपना कंसर्ट पक्का करें ज्यादा होता। तो बताइए इनिशियल ऑडिट में प्लानिंग एक्टिविटीज कम होगी होंगी दोनों में लेकिन इनिशियल में एज कंपेयर टू रिकरिंग ऑडिट इनिशियल में ज्यादा होंगी होंगी दोनों में आई कैब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना है हमारा उसने कहा हाँ भाई ऑडिट तुमने किया हम कहेंगे हमने किया उसने कहा प्लानिंग की हमने कहा बिल्कुल रिक्वायर्ड थी यू नहीं की उसने कहा लाओ सबूत डॉक्यूमेंट दिखा देंगे शाबाश कौन सा डॉक्यूमेंट दिखा देंगे हम कहेंगे ये एक डॉक्यूमेंट ऑडिट स्ट्रेटजी दूसरा डॉक्यूमेंट ऑडिट प्लान प्लानिंग में ऑडिट स्ट्रेटजी सिर्फ दिखाएंगे दोनों दिखाएंगे डॉक्यूमेंट दोनों प्लानिंग का हिस्सा है ना और फिर अगर इनमें रिवीजन हुई हो तो वो भी बताएंगे भाई किस वजह से रिवीजन हुई तो कुछ समझ आया आपको प्लानिंग एक्टिविटीज में कौन सी एक्टिविटीज शामिल है स्ट्रेटजी प्लान फिर इसके बाद प्लानिंग में कौन कौन लोग शामिल होते हैं आर्डनर और सीनियर टीम मेंबर बेनिफिट्स क्या बहुत बेनिफिट्स है ये रिटर्न लगा लेना आपने डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट करना प्लान आगे चलें? के आगे के रीडिंग टाइम चाहिए चल असल में यही कंसेप्ट यही कंसेप्ट आगे है, डिटेल में हमारे सामने समझ लिए यही कंसेप्ट आगे और खुल रहा है कहता है भाई एग्जाम में अगर आई क्या आपसे पूछे दो या तीन नंबर के साथ बताओ ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान में क्या फर्क है कितने नंबर के साथ दो तीन नंबर के साथ क्या पूछे आर्डेड स्ट्रेटजी आर्डेड प्लान में क्या फर्क हम क्या लिखे हम कहेंगे लो आर्डेड स्ट्रेटजी क्या है आर्डेड स्ट्रेटजी सेट्स स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ इंगेजमेंट एंड डेवलप्स एंड गाइड्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान ये होगा स्ट्रेटजी तीन लफ्ज कौन सा पहले स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन फिर आगे ऑडिट प्लान लिखेंगे ऑडिट प्लान इज नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ ऑर्डिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म एवरी एरिया ऑफ फाइनेंशियल ईच एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी एरिया में जो प्रोसीजर ये तो हो तो होगी दो तीन नंबर के साथ अगर आई क्या यही क्वेश्चन पूछे दस बारह नंबर के साथ कि बताओ कि ऑर्डिट प्लान में, में क्या फर्क है या हमसे पूछे कि भाई डिफाइन करो प्लस ये बताओ कि इनमें कौन कौन से मैटर्स डॉक्यूमेंट किए जाते हैं में में कौन से जाते हैं में कौन से से मैटर मैटर किए किए जाते जाते हैं? हैं? प्लान तो फिर आपने इस साइड पे आ जाना। फिर सिर्फ डेफिनेशन देने से काम नहीं चलेगा फिर हमें यह भी बताना होगा डिटेल में, में क्या क्या चीजें लिखी होती में क्या क्या चीजें लिखी होती हैं? समझ आया है आपको क्वेश्चन वो दो तीन नंबर के साथ भी पूछ सकता है स्ट्रेटजी और प्लान का डिफरेंस

चैप्टर थ्री में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटैंडिव प्रोसीजर सब्सटैंडिव प्रोसीजर्स की टाइप्स बतानी है है कोई माइकल लाल क्लास जी एक है है ही नहीं जी टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ बाई होगा नहीं बोलेगा दो स्टूडेंट का जवाब आया कैंसिल डिटेल डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर शाबाश अच्छा ये। याशी करे आप रिस्क शमेंट प्रोसीजर पढ़ा था हमने इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे एक स्टूडेंट से पूछूंगा है किसी को याद रिस्क सेशमेंट प्रोसीजर की एग्जाम्पल्स एक मिनट है वो भाई ने पहले हाथ उठाया था वो भाई ने पहले जी मेरे भाई इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर गलत देखिए एग्जाम में जो इनकम्प्लीट आंसर होता है वो भी गलत होता है ठीक है इंक्वायरी ऑब्जरवेशन इंस्पेक्शन और एनालिटिकल प्रोसीजर अब पिछहत्तर रुपए नहीं मिलने आपको यहां तो सौ रुपए मिलने या कुछ भी नहीं चले चले अब अब फिफ्टी फिफ्टी है मेरा खुद भी जमीर मलामत कर रहा है थोड़ा एनालिटिकल प्रोसीजर की कोई एग्जाम्पल दे दीजिए एग्जाम्पल भी बड़ी थी ना हमने कोई एग्जाम्पल दे दीजिए तो जी।, जी एक मिनट नहीं नहीं जी जी जो जी भैया जल्दी जरा बताइए नहीं नहीं भाई भैया जल तो जी इंक्रीज इन एक मिनट है डेटर टर्न ओवर रेशो यह इंक्रीज इन डेटस इनक्रीज इन डेटर टर्न ओवर रेशो इससे क्या रिस्क आइडेंटिफाई होता है और कोई नहीं बोलेगा इससे क्या रिस्क आइडेंटिफाई होता एक मिनट अब भैया नहीं है उनको मैं एक मिसाल नहीं वो देना चाह रहा होता जेहन में आ जाती है बात जी मेरे भाई डेट को कंफर्म करने में डिफिकल्टी नहीं भैया हाँ पचास बस ये पचास भाई को देते भैया रिस्क ये होता है रिस्क ये होता है अगर डेटर टर्न ओवर रेशियो इंक्रीज हो रही हो तो रिस्क होता है कि डेटर्स बढ़ रहे हैं इनसे रिकवरी नहीं हो रही कुछ डेटर्स ऐसे हैं जो बैड डेट हो गए उनकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ये रिस्क होता है चले तो बताइए ऑडिट प्लान में कितने प्रोसीजर्स होते हैं कौन सी मैटर डॉक्यूमेंट करते हैं तीन

करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट डेट डिटरमिन इट्स स्कोप करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट डेट डिटरमिन इट्स स्कोप दूसरा फैक्टर्स इफेक्टिंग डायरेक्शन ऑफ ऑडिट फैक्टर्स इफेक्टिंग डायरेक्शन ऑफ ऑडिट तीसरा रिसोर्सोर्स सॉरी सेकेंड रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव थर्ड है फैक्टर्स इफेक्टिंग डायरेक्शन और फोर्थ है रिसोर्सेज फिफ्थ है रिजल्ट ऑफ प्रिलिमरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ते हैं इनसे क्या मुराद नोट कीजिए जो हमने बात की थी स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन स्कोप ये है टाइमिंग ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है और डायरेक्शन ये पॉइंट ये देखिए स्ट्रेटजी की डेफिनेशन के साथ मैच हो रहे हैं डेफिनेशन में हमने बताया स्ट्रेटजी में स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन से रिलेटेड मैटर्स डॉक्यूमेंट करते हैं यहां पे स्कोप से पहली कैटेगरी स्कोप से रिलेट कर रही है दूसरी कैटेगरी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव टाइमिंग से रिलेट कर रही है तीसरी कैटेगरी डायरेक्शन से रिलेट कर रही है बाद में कुछ एडिशनल भी उन्होंने बता दिया हमें कि रिसोर्सेज क्या है ये भी डॉक्यूमेंट करते हैं स्ट्रेटजी में और रिजल्ट ऑफ प्रमरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ते हैं पहली चीज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटरमिनेट्स को मतलब क्या है ये यह कहना चाह रहा है कि आप जो ऑडिट कर रहे हैं इसकी ऐसी करेक्टरिस्टिक ऐसी खास बातें जिनसे स्कोप इफेक्ट होता है वो लिखें स्ट्रेटजी में एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या इस, इस खाने में क्या लिखना है एंगेजमेंट पार्टनर ने ऐसी बातें जो हमारे स्कोप को इफेक्ट करेंगे यानी क्या चीजें हमने चेक करनी है किन चीजों को देखना है किन चीजों को नहीं देखना फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के बगैर बात समझ नहीं आएगी हमने देखना है कि हमारा क्लाइंट किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है हमने देखना है इसका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है जैसे फर्स्ट कीजिए अगर हमारा क्लाइंट है कोई सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप या एन जी ओज वगैरह जिन्हें हम नॉर्मल ऑडिट में कहते हैं स्मॉल एंटिटी हमारा क्लाइंट स्मॉल एंटिटी क्या इनके ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है नहीं बल्कि सिर्फ हम ये देखना है कि इनकी फाइनेंशियल के मुताबिक बनी है कि नहीं और इनके लिए आई एफ आर एस भी थोड़ा होता है. कहते हैं आई एफ आर एस फॉर एस एम ईज स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी ठीक है SMEs, वो आई एफ आर एस ही होते हैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन होता है अगर हमारा क्लाइंट है कंपनी तो यहां पे पार्टनर क्या लिखेगा कि हमारे स्कोप में चूंकि क्लाइंट कंपनी है हमारे स्कोप में आई एफ आर एस को भी चेक करना है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके मुताबिक बनी है कि नहीं हमने देखना है कंपनी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है कि नहीं वो भी स्कोप में शामिल है अगर हमारा क्लाइंट कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो चूंकि वो कंपनी है हमने आई एफ आर एस की कंप्लायंस भी देखनी है कंपनी जेड की कंप्लायंस भी देखनी वो भी हमारे स्कोप में प्लस इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस की कंप्लायंस भी देखने हैं अगर हमारा क्लाइंट कोई बैंक है अब देखिए समझाना यह चाह रहा हूं कि कैसे क्लाइंट टू क्लाइंट हमारा स्कोप डिफरेंट होता है और लिखना होता है यह स्ट्रेटजी में कि स्कोप में किन किन चीजों को हमने चेक करना है बाद में भूल ना जाए ये ना बैंक हो हम सिर्फ आई की रिक्वायरमेंट को देख लें हम सिर्फ रेगुलेशन यानी कंपनी रिक्वायरमेंट को देख लें बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट को देख ही ना सके या बैंकिंग कंपनी रिक्वायरमेंट को देख लिया हो सकता है कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी हो जैसे आपको अंदाजा होगा बैंक के लिए कुछ रिक्वायरमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी इशू की होती है तो क्या हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशंस को भी देखना चाहिए कि नहीं बैंक ऑडिट करते हुए बिल्कुल देखना चाहिए तो कहते हैं वो फिर हमारी सारी चीजें हमारे स्कोप मेरे नेचर ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से हमारा स्कोप वाइड होता जाएगा तो ऑफ एंगेजमेंट स्कोप का मतलब क्या है हमने वो खास बातें लिखनी है जिनकी वजह से जो हमारे स्कोप को इफेक्ट करेंगी जैसे इंडस्ट्री कौन सी है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है क्या हमें किसी स्पेशलाइज नॉलेज स्किल की जरूरत पड़ेगी ऑडिट करते हुए ठीक है हो सकता है हमें किसी स्पेशलाइज नॉलेज की एक्सपर्ट की जरूरत पड़ जाए हो सकता है हम कहें कि हमारा क्लाइंट जो है वो एक बैंक है उसने रिसेंटली एक नया आईटी सिस्टम इंस्टॉल किया है अपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए आपको बैंक का सबसे बड़ा जो ऑपरेशंस में काम होता है वो इंटरेस्ट का होता है आईटी सिस्टम अब आप खुद बताइए अगर बैंक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए आईटी सिस्टम को यूज कर रहा है जैसे इस केस में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए बैंक यूज कर रहा है अगर क्लाइंट अपने ऑपरेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए आई सिस्टम यूज कर रहा है तो वो आई सिस्टम क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा है कि नहीं क्या हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हुए इंटरनल कंट्रोल को वैल्यूएट करते हुए उस आईटी सिस्टम को भी वैल्यूएट करना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए बिल्कुल वैल्यूएट करना चाहिए अगर तो हमें खुद अच्छी खासी आईटी आती है अच्छी बात वरना हमें किसी आईटी एक्सपर्ट को एंगेज करना पड़ेगा बताइए उस आईटी सिस्टम को वैल्यूएट करने के लिए चाहे स्पेशलाइज नॉलेज या स्किल की जरूरत है लेकिन उस आईटी सिस्टम को वैल्यूएट करना हमारे स्कोप में शामिल है कि नहीं है बिल्कुल है तो बताइए क्या ऑडिटर्स को आईटी सीखने की जरूरत है कि नहीं बताइए हाँ सीखे या ना सीखे लेकिन अगर खुद उसके पास स्किल्स नहीं है तो फिर आईटी एक्सपर्ट को एंगेज करना पड़ेगा क्लाइंट के आईटी सिस्टम को वैल्यूर जरूर करना है तो बताइए अगली बात फर्ज कीजिए हम किसी एक्सपर्ट को जैसे आईटी एक्सपर्ट ही हो एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है प्रॉपर्टी वैल्यूर भी हो सकता है कोई इंजीनियर भी हो सकता है इस एग्जाम्पल फर्ज कीजिए आईटी एक्सपर्ट है वो अब ये टेक्निकल कंसेप्ट है इस चैप्टर से रिलेट नहीं कर रहा आगे कहीं सिखाना है बेस अभी बना रहा हूं आईटी किसी भी एक्सपर्ट ने फॉर एग्जाम्पल आईटी एक्सपर्ट ने अपना काम सारा देख के कहा सर सब कुछ ठीक है क्या उसकी रिपोर्ट पे आंखें बंद करके बार कर लें कि हमें भी उसे चेक करना चाहिए चेक करना चाहिए इसका मतलब यह है कि हम अगर एक्सपर्ट नहीं भी हैं हमें थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस फील्ड की होनी चाहिए ताकि देख सके एक्सपर्ट ने सही काम किया है कि नहीं सबसे अहम क्वेश्चन खुद बताइए क्या हमारे इस ऑडिट के स्कोप में जो हम पढ़ रहे हैं जिसका पेपर देना क्या आईटी के कंसेप्ट शामिल होने चाहिए थे कि नहीं ताकि अगर कभी हमें आईटी एक्सपर्ट को वैल्यूएट करने की जरूरत पड़ती है तो हम उसे वैल्यूएट कर सके और बताइए आपके ख्याल में जो अकाउंटेंट होता है वो प्रैक्टिस में आईटी का नॉर्मली एक्सपर्ट होता है कि नहीं होता वो नहीं होता उसी तरह यहाँ पे भी हालांकि हमारे स्कोप में प्रैक्टिकली अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है उसको चेक करना हमारे स्कोप में शामिल होता है लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिस में जो ऑडिटर्स होते हैं चार्टर्स होते हैं वो आईटी में थोड़े वीक होते हैं नॉर्मली किसी एक्सपर्ट को एंगेज करते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बीइंग स्टूडेंट जब ऑडिट का पेपर तैयार करना है आईटी का पोर्शन हमारे सिलेबस में है हम किसी एक्सपर्ट को एंगेज नहीं कर सकते हमें खुद ही तैयार करना पड़ेगा तो खुद बताइए आई कैफ के वो चैप्टर जिनमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा वीक होती है आई कैफ के एग्जेंडर कमेंट में बताता है उसमें बताइए आईटी वाला चैप्टर शामिल होगा कि नहीं आपके ख्याल में वह तो बिल्कुल होगा ठीक है इसलिए जहन में रखें जब हम आईटी टी का कंसेप्ट पढ़ने होंगे उसमें से हंड्रेड परसेंट कन्फर्म में क्वेश्चन आएगा एक ही चैप्टर है तकरीबन तो दस नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म में आएगा तो जब वो चैप्टर शुरू होगा ना आपने छुट्टी नहीं करनी अभी बता रहा हूं हालांकि अभी चैप्टर थर्टीन टाइम है उसमें लेकिन बता भी रहा हूं क्योंकि वो ऐसा चैप्टर है खुद से पढ़ेंगे कभी समझ नहीं आएगा वो आई टी तो ऐसा टॉपिक है कोई पढ़ाई भी फिर भी समझ नहीं आता खुद से पढ़ के तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा ठीक है तो ये जहन में रखिएगा अब बताइए स्पेशलाइज नॉलेज की स्किल हो फॉर एग्जाम्पल आई टी की क्या वो हमारे स्कोप में शामिल होगा कि उसको इग्नोर कर देना है स्कोप में शामिल होगा क्यों नहीं होगा क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है बताइए हमारे लिए एज ऑडिटर गुड न्यूज है बैड न्यूज है क्योंकि एक तो इससे फायदा ये हो सकता है क्लाइंट का अंडर कंट्रोल स्ट्रांग होगा वो जिसकी मॉनिटरिंग कर रहा होगा दूसरा फायदा यह भी होता है कि हम उसके काम को खुद यूज कर सकते हैं भाई कैसे यूज कर सकते भाई नॉर्मली जब लेक्चर हो रहा होता है आप नोट्स खुद बनाते हैं कि दोस्त के इस्तेमाल करते हैं खुद बनाते हैं अच्छा दोस्त के और दोस्त आप उम्मीद लगा के बैठा हो जाए लेक्चर के बाद उससे पूछा भाई नोट्स बना के बनाने तो तुमने थे अच्छा आप जिस दिन एबसेंट होते हैं क्लास से फॉर एग्जाम्पल उस दिन नॉर्मली तो आप खुद अपने नोट्स बनाते हैं यूज करते हैं लेकिन एबसेंट होते हैं उस दिन क्या करते हैं फिर दोस्त के नोट्स ऐसे ही है उसी तरह नॉर्मली तो काम सारा ऑडिटर कर रहा होगा लेकिन सम टाइम कुछ एरियाज पे जिन पे इंटरनल ऑडिटर ने काम किया हुआ है और एक्सटर्नल ऑडिटर किसी वजह से काम नहीं कर सका वहां पे हम इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हैं हमें इजाजत दी गई है स्टैंडर्ड में एग्जाम्पल्स ने क्लाइंट के दस ब्रांचेज है सॉरी दस वेयर हाउस है जिनपे स्टॉक है हमने रिस्क की बेस पे हमने इन्वेंट्री का बैलेंस देख के डिसाइड किया जो टॉप फोर है उन पे हमने जाके वेरिफिकेशन करने उन पे हम चले गए बाकी छह छोटी छोटी ब्रांचेस थे इंटरनल ऑडिट वाले ने सारी ब्रांचेस को देखना है हमने तो सैंपल बेस से ऑडिटर है ना हमने तो एक्सटर्नल सैंपल बेस पे काम करना होता है कंपनी के लोगों ने तो हंड्रेड काम करना है बाकी के छह ब्रांचेस पे इंटरनल आइड वाले को कोई इशू नजर आया बताइए क्या उस इशू को हम काउंट फार कर सकते हैं कि नहीं क्या कहे नहीं हमने ये काम नहीं किया है, कर सकते हैं लेकिन याद रखें उन ब्रांचेस पे जिनको हमने विजिट नहीं किया जिन ब्रांचेस को फॉर एग्जांपल या जिन वेयर हाउस लोकेशन को आपने विजिट किया है उन पे हम इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज नहीं करते इससे हमें यह लेसन सीखने को मिला कि हम हर एरिया में इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं करते कुछ एरिया में करते हैं कुछ एरिया में नहीं करते अब बताइए इंटरनल अगर क्लाइंट का इंटरनल डिपार्टमेंट है और है भी अच्छा क्या इंटरनल ऑडिटर हमें जो कुछ बताए आंखें बंद करके उसको मान लेना चाहिए कि एक्सपर्ट की तरह उसके काम को भी चेक करना चाहिए तो वो हमारे स्कोप में शामिल हो गया कि नहीं बिल्कुल हो गया फिर इसके अलावा एक्सपेक्टेड कवरेज इंक्लूडिंग लोकेशन कितनी लोकेशन आपको पता है क्लाइंट है हमारा बैंक है सौ ब्रांचेज है क्या हम सौ की सौ ब्रांचेज को वेरीफाई करते हैं जाके उनमें से हो सकता है जो इंपॉर्टेंट हो जिनमें रिस्क ज्यादा है जो मटेरियल है वो 25 तीस हम चेक कर लें बाकी पे हम सिर्फ थोड़े बहुत प्रोसीजर परफॉर्म करके गए ठीक है तो हमने कितनी लोकेशंस को कवर करना है कितनी लोकेशंस के कितनी लोकेशन में ब्रांचेस वगैरह कितनी ब्रांचेस को वेरीफाई करना है वो में पार्टनर ने लिखा होता है क्लाइंट की टू फिफ्टी ब्रांचेज है वेरीफाई करना है ये भी लिखा हुआ है किस किस ब्रांच को वेरीफाई करना है ये इंफॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं कहां से मिलेगी प्लान से या स्ट्रेटजी से स्ट्रेटजी से अच्छा किस ब्रांच पे जाके प्रोसीजर क्या क्या परफॉर्म करना है ये प्लान ठीक है फरगपुर फिर क्लाइंट पर्सोनल एंड डाटा अवेलेबिलिटी क्लाइंट से पूछेंगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब हमें दे रहे हैं हमें आप बैंक रिकन्सन स्टेटमेंट कब दे रहे हैं डेटर्स की रिकन्शन कब दे रहे हैं कब आपके लोग अवेलेबल होंगे कि हम उनसे इंक्वायरी कर सकें क्या किसी भी वक्त आ जाए करें क्लाइंट नहीं नहीं सर हमने अपना काम भी तो करना होता है ना सिर्फ ऑडिट थोड़ी करा आप ऐसा कीजिए सुबह नौ से लेकर एक बजे तक हमें डिस्टर्ब ना किया कीजिए दो बजे के बाद आके जब जो भी इंफॉर्मेशन आप हमें मांगेंगे हम आपको तैयार करके दे देंगे ठीक है तो क्लाइंट से हम ले लेते ले हैं पर्सोनल यानी क्लाइंट का स्टाफ कब अवेलेबल होगा डाटा कब अवेलेबल होगा प्रैक्टिकली हम एक लिस्ट बना लेते हैं क्लाइंट के साथ स्टार्ट में एग्री कर लेते हैं कि आप हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस दिन देंगे इसके अलावा जो दूसरी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी वगैरह और दूसरी चीजें किस किस दिन प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट क्लाइंट के साथ एग्री करके में पेज लगा लेते हैं कि Client ने हमारे साथ ये डेट्स एग्री किए स्कोप क्लियर हो गया क्या है स्कोप इन शॉर्ट मतलब क्या है हमने अपने ऑडिट में किन किन चीजों को कवर करना है किन किन चीजों को देखना है स्कोप को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री क्लाइंट किस इंडस्ट्री में एप्लीकेबल फाइनेंशियल बॉडी फ्रेमवर्क है ये डिपेंड करता है नेचर पे क्लाइंट कंपनी पे स्पेशलाइज नॉलेज रिक्वायर्ड है वो भी हमारे स्कोप में शामिल हो जाएगा क्लाइंट अगर सिग्निफिकेंट आईटी सिस्टम यूज़ कर रहा है वो भी हमारे स्कोप में शामिल हो जाएगा अगर क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट अच्छा है और हम उस पर रिलाई करना चाहते हैं उसको भी चेक करना हमारे स्कोप में शामिल हो जाएगा कवरेज कितनी है कितनी लोकेशन को कवर करना है ये भी हम डिसीजन स्कोप में ही इनकॉर्पोरेट करते हैं स्कोप क्लियर हो गया आगे चले रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है हमने क्लाइंट के साथ रिपोर्ट की क्या डेडलाइन एग्री की यानी किस तारीख को आपको रिपोर्ट देंगे इशू करेंगे वो लिखते थे अगर रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ कोई दूसरी चीज मैटर भी कम्युनिकेट करना हो ऑडिट रिपोर्ट के साथ आप बताइए क्लाइंट को हम ऑडिट रिपोर्ट तो कम्युनिकेट करते हैं वो तो कह दिया उनको भैया आपको इकतीस दिसंबर ईयर एंड है आपको बीस मार्च को रिपोर्ट मिलेगी क्या रिपोर्ट के अलावा कोई और मैटर भी कम्युनिकेट करते, है? करते हैं क्या लेटर ऑफ विकनेस मैनेजमेंट लेटर शाबाश वो कम्युनिकेट करते हैं हम मतलब क्लाइंट को तो हम वो भी इसको डेट एग्री कर सकते हैं कि रिपोर्ट के बाद पैंतालीस दिन के बाद आपको हम मैनेजमेंट लेटर दे देंगे दरमियान में अगर आप कुछ मैटर कम्युनिकेट देखें कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं रूटीन के वो आप चाहे बाद में बता दें कुछ मैटर्स अहम होते हैं तो ऑडिट के दौरान में भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके साथ जैसे अगर कोड ऑफ एथिक्स में कोई थ्रेट थ्रेटराइज हो गया अब खुद बताइए थ्रेट पे क्या थ्रेट थ्रेटराइज हुआ उस पर लिए सेफ गार्ड या अप्लाई किए क्या ऑडिट के बाद बताने चाहिए क्लाइंट को के अभी बता देने चाहिए उन उनपे तो फॉरी एक्शन की जरूरत होती है फिर डायरेक्शन डायरेक्शन का मतलब क्या कि हमने किन एरियाज पे अपनी एफर्ट्स जो हैं फोकस करने हैं आपने फर्ज कीजिए तीन पेपर अलग किए डेली आप घंटे पढ़ सकते हैं हर सब्जेक्ट को दो दो घंटे पढ़ेंगे नहीं जो आपके लिए इजी सब्जेक्ट होगा उस एफर्ट्स कम लगाएंगे डेढ़ घंटा पढ़ेंगे जो मुश्किल होगा उस पे ज्यादा लगाएंगे ढाई घंटे पढ़ेंगे जो मॉडरेट है उसे सिर्फ दो घंटे पढ़ेंगे ये बेहतर है उसी तरह बताइए जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है हर एरिया पे एक जैसे प्रोसीजर होते हैं नहीं तो ऐसे एरियाज जिन पे ज्यादा फोकस करना है टीम ने वो पार्टनर आइडेंटिफाई कर देता है जिन पे टीम की एफर्ट्स ज्यादा लगे पार्टनर को कैसे पता चलता है एक्सपीरियंस बिल्कुल उ, उसकी बेस पे एक्सपीरियंस की बेस पे पार्टनर डिसाइड करता है रिस्की एरियाज कौन से हैं भाई जो रिस्की एरियाज होंगे पे एफर्ट्स ज्यादा फोकस करेंगे कि कम करेंगे ज्यादा जो हाईली मटेरियल है ज्यादा करेंगे ठीक है इसी तरह जिन एरियाज में रिसेंट डेवलपमेंट्स डेवलपमेंट है मैं आपसे पूछूं आईएफआरएस में अकाउंटिंग का पेपर देने जा रहे हैं भाई कौन सा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आप कहेंगे सर वैसे तो बहुत से फैक्टर है एक वो जो रिसेंटली रिवाइज हुआ है ना सर बाकी और आया ना वो जरूर आएगा उसी तरह मुझे बताइए क्या जो रिसेंट रिविजन हुई है अगर लॉ में या अकाउंटिंग में क्या हमें उनके ऊपर फोकस करना चाहिए कि नहीं क्लाइंट ने प्रोबेबली वो गलत की होंगे जैसे भी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 की बजाय उसको रिप्लेस कंपनीज एक्ट उस आया तो जिस साल ये आया उस साल के ऑडिटर ने खास तौर पे ये इस चीज के ऊपर फोकस किया था क्या कि कंपनीज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की गई है कि नहीं क्योंकि हो सकता है रूटीन के मुताबिक क्लाइंट कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक ही काम कर रहा होता तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डायरेक्शन ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है इस लाइन का मतलब क्या है क्या मतलब यह है कि किन एरिया के ऊपर टीम ने ज्यादा फोकस करना है तो किन पे ज्यादा फोकस करते हैं भाई जो हाईली मटीरियल हो जो रिस्की एरिया रिसेंट डेवलपमेंट हुई हैं और जिनमें ऑडिट अप्रोच पार्टनर डिसाइड करता है कि क्या होनी चाहिए सिस्टम बेस्ड होनी चाहिए सब सैंटिव अप्रोच होनी चाहिए उस लिहाज से डिसाइड किया जाता है कि हमने उसके ऊपर क्या फोकस करना है एक छोटी सी एग्जांपल बता दू यहां पे फैक्टर्स फैक्टिंग डायरेक्शन में फिर उसके बाद मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ सिस्टम बेस और सब सेंटिव अप्रोच का मतलब क्या है एक रियल प्लानिंग आपको बता रहा हूँ हम प्लानिंग बैठे प्लान कर रहे थे तो हमारा जो इंगेजमेंट पार्टनर थे वो कहने लगे कि ये क्लाइंट आप ऑडिट करने जा रहे हैं हॉस्पिटल पहली चीज़ तो स्ट्रेटजी में उन्होंने बताई उन्होंने कहा हॉस्पिटल ये कंपनी नहीं है इसलिए आपने कंपनीज एक्ट कंपनीज ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स को तो फॉलो करने की जरूरत नहीं है ठीक है वो हमारे स्कोप से बाहर हो गया हमने हाँ जो आई वगैरह की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखना है फिर उन्होंने कहा खास तौर पे आपने फोकस करना है इसमें मैंने इसे इससे आप लोगों ने शायद इससे पहले हॉस्पिटल का ऑडिट नहीं किया मैंने किया हुआ है इसमें एक एरिया जिसमें ज्यादा रिस्क होता है वो होता है इनका रेवेन्यू वाला एरिया फिर आगे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया उन्होंने कहा नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है कि जो पेशेंट एडमिट होता है उस पर डिफरेंट डॉक्टर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं मेडिकेशन वगैरह होती रहती है उसकी रूटीन में बाजूबत उसकी सर्जरी वगैरह ऑपरेशन भी होते हैं तो जो पेशेंट का फाइनल बिल होता है वो बनता है जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है उस वक्त तो ये लोग रेवेन्यू नॉर्मली उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब पेशेंट की फाइल क्लोज हो जाती है यानी पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है जबकि हमारा क्रूअल कंसेप्ट यह कहता है कि जैसे जैसे आपने सर्विसेज प्रोवाइड की साथ साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए यानी अगर थर्टी फर्स्ट दिसंबर से पहले की ऑपरेशन हो गया है चाहे क्लाइंट डिस्चार्ज नहीं भी हुआ पेशेंट उसका रेवेन्यू इस साल में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए ये नॉर्मली जब पेशेंट की फाइनल बिल बनता है ना उस वक्त रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं

रेवेन्यू के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है अब बताइए ये वाली डिस्कशन कहां पे होगी भला स्ट्रेटजी में ठीक है तो इस इस तरह इन फैक्टर को रिस्की एरियाज को सामने एरिया रखेरियालिटी को सामने डिसाइड किया जाता है कि इन एरियाज के ऊपर हमने ज्यादा फोकस करना है अब यहां पे एक बात है ऑडिट अप्रोच ऑडिट अप्रोच क्या होनी चाहिए सिस्टम ऑडिट अप्रोच दो तरह की होती है सिस्टम बेस्ड और सबस्टेंटिव अप्रोच सिस्टम बेस्ड और सब्सटैंड इससे भी डिसाइड करते हैं हमने फोकस किधर करना अगर सिस्टम बेस्ड हो हम इंटरनल कंट्रोल पे फोकस नहीं कर हम इंटरनल कंट्रोल पे फोकस करते हैं अप्रोच हो इंटरनल कंट्रोल पे फोकस नहीं किया जाता सुने जब मैंने यहां पे ये यह कहा ना ऑडिट प्लान में तीन चीजें होती है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सैंडिव प्रोसीजर तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई स्टूडेंट कहे कि सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल हर ऑडिट प्लान में तो नहीं होगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना रिक्वायर्ड तो नहीं होता बताइए रिक्वायर्ड होता कि नहीं होता रिस्क असेसमेंट प्रोसेट परफॉर्म करना रिक्वायर्ड है सबसे प्रोसेट परफॉर्म करना रिक्वायर्ड है टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना रिक्वायर्ड नहीं है ये सिर्फ उस वक्त परफॉर्म किए जाते हैं जब क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और राइटर उस पर रिलाई करना चाहता हो तब टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किए जाते हैं वरना नहीं अगर हम इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई करें टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करें तो इसे कहते हैं सिस्टम बेस्ड अप्रोच इसमें लफज सिस्टम का मतलब है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सिस्टम बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या है आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे रिलाय कर रहे हैं अगर हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे रिलाय ना करें डायरेक्टली सब्सेंटिव प्रोसीजर की तरफ चले जाएं। रिस्क असेसमेंट के बाद डायरेक्टली सबसेंट तो फिर उस अप्रोच को क्या कहते हैं सबसेंटिव अप्रोच तो ऑडिट अप्रोच क्या हो गया ये बताइए किसने डिसीजन करना है पार्टनर ने और कहा लिखा होगा स्ट्रेटी में ये फर्क समझ आया आपको सबस्टे सिस्टम बेस्ड अप्रोच और सब्सटैंड अप्रोच में फर्क किस फर्क रिस्क असेसमेंट का नहीं है रिस्क असेसमेंट दोनों ऑर्डर में हो दोनों अप्रोचेज में होती है फर्क सबस्टेंटिव प्रोसीजर का नहीं है वो भी दोनों अप्रोचेज में होते हैं फर्क किस चीज का इंटरनल कंट्रोल कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं अगर हम इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई कर रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं और अगर इंटरनल कंट्रोल पर रिलाय नहीं कर रहे टेस्ट ऑफ कंट्रोल पर रिलाय नहीं कर रहे सब सी अब खुद मुझे बताइए दो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपके सामने आपने बताना स्ट्रेटजी में कौन सी जाएगी प्लान में कौन सी जाएगी एक इंफॉर्मेशन हमने इंटरनल कंट्रोल्स पर रिलाई करना है कि नहीं दूसरी इंफॉर्मेशन रिलाय करना है तो परचेजिंग में कौन कौन से टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना है पहले वाली कंट्रोल्स पे रिलाय करना है कि नहीं स्ट्रेटजी में दूसरे वाली करना है तो किस एरिया में क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना है जी क्लियर हुआ कुछ फैक्टर्स डायरेक्शन तो अभी तक हमने ऑडिट स्ट्रेटजी में तीन फैक्टर्स पढ़ लिए जिनको सामने रखे ऑडिट स्ट्रेटजी फाइनल होती है एक पहली कैटेगरी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट एडिटर्म स्कोप दूसरी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव जो टाइमिंग से रिलेट करते हैं क्लाइंट के साथ डेडलाइन एग्री करते हैं तीसरा फैक्टर्स फैक्टिंग डायरेक्शन ऑफ ऑडिट कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनको सामने रखे हमने अपनी एफर्ट्स जो है वो डायरेक्ट करते हैं किसी एरिया पे ज्यादा किसी पे कम क्लियर हुई है बात इसके बाद एंड रिसोर्सिस रिसोर्सिस क्या होने चाहिए इस क्लाइंट पे जब हम बोलते हैं लफज रिसोर्सेज इससे मुराद सबसे बड़ा रिसोर्स क्या होता है बड़ा फर्म के पास फर्म फर्म के पास सबसे बड़ा रिसोर्स क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स आप लोग ट्रेनिंग स्टूडेंट और एक और भी होता है रिसोर्स क्या लैपटॉप तो इस ऑडिट पे क्या सिर्फ आपको भेजना है सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को कि आई टी रिसोर्सिस को भी इस्तेमाल करना चाहिए यानी लैपटॉप भी देके भेजना चाहिए आपको बताइए फर्म को क्या करना चाहिए लैपटॉप भी देके भेजना चाहिए गलत क्या फर्म को सिर्फ आपको भेजना चाहिए ये भी गलत तो ये फर्म को देखना चाहिए अगर क्लाइंट सिग्निफिकेंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है तो फिर टीम के रिसोर्सेज में भी आईटी सिस्टम यूज होना चाहिए लेकिन अगर क्लाइंट अपना मैनुअली काम कर रहा है तो बताइए फिर आपका आईटी सिस्टम वहां कोई काम कर सकेगा ऑडिटर का लैपटॉप हम पाकिस्तान रेलवे का ऑडिट करने के लिए चले जाएं, वहां पे कोई डाटा अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलना ही नहीं है तो आपने कंप्यूटर पे क्या करना है गेम्स ही खेलेंगे सिर्फ तो इसीलिए रिसोर्सेज में पार्टनर ये डिसाइड करता है कि फर्म को कितने रिसोर्सेज चाहिए कितने बंदों की टीम जानी चाहिए ठीक है उनको हमने लैपटॉप देके भेजना है कि नहीं भेजना है कितने दिनों के लिए वो टीम जाए और फिर ये नहीं कि सिर्फ भेज दिया टीम को बल्कि ये भी देखना है उसको कैसे डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू करना है पार्टनर ने ये भी डिसाइड करके स्ट्रेटजी में लिखा होता कि मैंने जो टीम भेजी है ये नहीं कि उधर चली गई तो बस ये दो महीने बाद इनका रिव्यू होगा पीरियोडिकली पार्टनर अपने रिसोर्सेज को सुपरवाइज भी करता है कि भाई वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं टीम उधर जाके हमारा एक क्लाइंट था उस पर तकरीबन काम का, ख़त्म कर लिया था हमने और सीनियर मैनेजर को तकरीबन 10-12 दिन से कह रहे थे सर काम कंप्लीट हो गया पार्टनर से कहीं आगे रिव्यू कर ले किसी वजह से पार्टनर की अपनी मसरूफियात थी वो नहीं आ सका दस बारह दिन हो गए ना फिर आए इकतीस दिसंबर तो टीम जो थे वो कहने लेंगे सर आज तो हैप्पी न्यू ईयर तो आज तो हमने जो है ना जरा कल सुबह लेट ही हम आएंगे आज दोस्तों के साथ कोई बाहर खाने शाने का प्रोग्राम है मूवी देखने का प्रोग्राम है तो अभी दस बारह दिन हो गए हैं पार्टनर नहीं आया तो कल किधर आ जा पार्टनर भी याश्यू कर रहा होगा कि इसको छोड़ें चले गए अगले दिन सुबह आठ बजे इतफाक से सिर्फ मैं वहाँ भी मौजूद था पार्टनर सुबह डायरेक्ट आठ एग्जैक्ट आठ बजे आ गया और कहने लगा दिखाएं जी टीम की तरह अब टीम कोई भी नहीं फिर पार्टनर ने मुझे शाबाश दी कि मैंने मतलब टीम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जी तो हाँ तो बताइए पार्टनर के ख्याल में मैं जब उस वक्त मैनेजर था मैंने रिसोर्स को अच्छे तरीके से मैनेज किया कि नहीं किया तो बताइए क्या पार्टनर को सुपरवाइज करना चाहिए था रिसोर्स को क्लाइंट में भेजने के बाद बिल्कुल करना चाहिए ठीक है तो रिसोर्सेज में यही चीज हम पार्टनर लिख रहा होता है हम कितने रिसोर्सेज कितने दिनों के लिए किस क्लाइंट में भे भे भेज रहे हैं और पार्टनर की फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उन रिसोर्सेज को वो सुपरवाइज करे डायरेक्ट करे आखिरी चीज रिजल्ट ऑफ एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या होती हैं हमारा लेक्चर शुरू भी यहां से हुआ था खत्म भी यहां पर हो रहा है क्या होती है मेरे भाई नहीं एक मिनट रही अभी अब ये नहीं कह सकते सर या किसी और क्लास में बताया होगा इसी क्लास में शुरू में बताया था अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती कंसेप्ट को आप तरतीब से पता नहीं क्यों नहीं लेके चलते पहले टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करना है सही गलत नहीं है लेकिन असूली तौर पे भाई पहले एक्सेप्टेंस एंड कंडीशन प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट देखते हैं पूरी हो रही फिर टर्म्स एग्री करेंगे ना पहले टर्म्स एग्री करके बाद में थोड़ी एक्सेप्टेंस पर उस परफॉर्म करते हैं थोरेटिकली दोनों पॉइंट ऊपर नीचे करने कोई मसला नहीं है ठीक है लेकिन कंसेप्ट पता चलता है कि सोन का कंसेप्ट सही नहीं है रटा लगाया हुआ उसने तो थोड़ा तरतीब से चले बिल्कुल ठीक अब मुझे बताइए क्या प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज से जो इंफॉर्मेशन मिली हमें हम उसे आर्डिट स्ट्रेटजी डिसाइड करते हुए यूज कर सकते हैं कि नहीं बिल्कुल कर सकते हैं इसी इसी की ज्यादातर एंड पे सिर्फ दो तीन क्वेश्चन देखें आज के लेक्चर में सबसे अहम चीज हमने एक ही सीखी है बाकी तो सारी चीजें आप याद कर लेंगे रटा लगा ही लेंगे सबसे क्या ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान में फर्क क्या है तो मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूं आपने मुझे बताना है कि कौन सी ऑडिट स्ट्रेटजी में आएगी कौन सी ऑडिट प्लान में पहली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट किस दिन इशू करनी है कंफर्मेशन लेटर किस दिन इशू करना सेंड करना है डेटर्स को कंफर्मेशन लेटर प्लान ऑर्डर स्ट्रेटजी में आगे कैसे मटीरियलिटी लेवल और सैंपल साइज मटीरियलिटी लेवल क्या है स्ट्रैटी में और सैंपल साइज प्लान में टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने हैं कि नहीं करने हैं तो किस एरिया में कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना करने हैं कि नहीं स्ट्रेटी में किस एरिया में करने हैं प्लान में शाबाश टीम में कौन कौन सा मेंबर इंक्लूड करना है टीम में। <गणागी> तीज़ागी तीज़ागी तीज़ागी। में, स्ट्रेटजी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या क्लाइंट का स्ट्रेटजी में एक्सपर्ट को यूज करना है कि नहीं <गणागी> अच्छा यूज करना है तो जो उसने रिपोर्ट दिया चेक करने के लिए रिपोर्ट सही है कि नहीं प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है प्लान और सबसे अहम चीज एंड में आपको बता रहा हूं हमेशा याद रखिएगा जब किसी भी एक्सपर्ट को हम यूज करते हैं उसकी रिपोर्ट पे ब्लाइंडली रिलाई नहीं करते बल्कि हमने देखना होता है उसने रिपोर्ट सही दी कि नहीं उस पे प्रोसीजर पर प्रोसीजर परफॉर्म करने होता है ठीक है प्रोसीजर हमारे प्लान का हिस्सा होता है इसलिए आज के लेक्चर में हम नहीं पढ़े लेकिन कभी किसी लेक्चर में पढ़ेंगे जी क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं